नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। कहते हैं राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं है। दमों की राजनीति पल पल बदलती रहती है और दमों की राजनीति दिल्ली तक पहुंची है और उसकी पहुंच साफ तौर पर दिख रही है। आज जयंत मलैया के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी के तमाम नेताओं की मौजूदगी रही। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, सुमित्रा महाजन, पंडित गोपाल भार्गव, प्रहलाद सिंह पटेल सांसद हैं जो दमों के, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेताओं की आज जयंत मलैया के जन्मदिन पर मौजूदगी रही। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान तमाम नेताओं ने जयंत मलैया के तारीफों के पुल बांध दिए। इसी दौरान कैलाश विजयवर्गीय ने जयंत मलैया से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने हाथ जोड़कर पूर्व मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर जयंत मलैया से माफी मांगी है। वे मलैया के जन्मदिन के मौके पर दमोह में आयोजित अमृत महोत्सव में शामिल होने के लिए आए थे और अपने संबोधन में उन्होंने जयंत मलैया को नोटिस देना बीजेपी की बड़ी भूल बताया। दरअसल दमोह उपचुनाव में बीजेपी प्रत्याशी की हार के बाद पार्टी ने उन्हें नोटिस दिया था, लेकिन 2 महीने बाद हालांकि उसे वापस भी ले लिया गया था। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने संबोधन में बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जयंत मलैया के बिना दमोह अधूरा है। अब सुनिए बारी बारी से कि किसने क्या क्या बातें कही हैं जयंत मलैया के बारे में, और वो तमाम कोशिशें की गई हैं 2023 चुनाव के मद्देनज़र, जिससे दमों की राजनीति में जो बीजेपी को नुकसान हुआ है उस नुकसान की अब भरपाई हो सके। नेताओं से कहा कि ये बहुत गलत किया है आपने, जयंत मलैया जैसे नेता को तैयार होने में दशकों लगते हैं, दशक तपस्या करना पड़ती है तब जयंत मलैया तैयार होता है, ऐसे नेता नहीं बनता है। और इसलिए मैं उससे बिल्कुल ना खुश था और मैंने वह अपनी शिकायत यहाँ से लेकर दिल्ली तक की, आज तक मैंने किसी को बताया नहीं, आपको भी नहीं बताया, पर आज बता रहा हूँ। और मैं राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते, व्यक्ति भूल करता है ऐसे पार्टी से भी भूल हो सकती है, इसलिए राष्ट्रीय महामंत्री होने के नाते मैं उस बात के लिए दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूँ। वह भूल थी आपको नोटिस देना, क्योंकि जयंत मलैया जैसा व्यक्तित्व तैयार होने में दशक लगते हैं, दशक, एक दशक नहीं कई दशक लगते। जीतते हुए बहुत सहज, सरल, संकोची, शिष्ट, शालीन, ऐसे के देखते ही प्यार उमड़ जाए, ऐसे है अपने जयंत मलैया। जयंत भैया, सच में कहिए, मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, वर्षों पुरा, जब तक शांति से काम निकले, शांत और शाली, लेकिन अगर गड़बड़ हो जाए तो जयंत भाई रौद्र रूप भी धारण करते हैं। तो पार्टी का काम ही करते तन्मयता के साथ, मुझे याद आता है कोई भी काम जयंत भाई को दिया हो उसको बेहतर ढंग से, क्योंकि ठाकरे जी की शिक्षा ताई बता रही थी, उनकी छत्र छाया में संगठन का काम करना सीखा। अब गोपाल भाई बैठे हैं, गड़ाकोटा में गोली चल गई, तब भी शायद अर्जुन सिंह थे मुख्यमंत्री, अब गड़ा अर्जुन सिंह, उस समय जयंत भैया जीते ही जीते थे 84 में, बाय इलेक्शन पता है कि नहीं, पहली बार जीते थे 84 में, उपचुनाव लड़ा था। और उस भयानक माहौल में जब आतंक का राज था, उस आतंक को तोड़ने गढ़ाकोठा में घुसे थे जयंत भाई, और लोगों को आत्मविश्वास से भरने का काम। ये बात सच है कि दमोह जयंत मलैया जी के बिना अधूरा है। आज मैं करो जिम्मेदार हर दिल पर उन्होंने राज किया। देखो, हार जीत तो चलती रहती है जी, अब मैं सच बता रहा हूं, मुख्यमंत्री के नाते
जब भी कोई महत्वपूर्ण और गंभीर काम किसी को देना हो तो मेरे सामने एक ही नाम आता था, श्री जयंत भैया, और मैं उनको देता जाता था। अब वो मेरे साथ सरकार में ऐसा साथ निभाते, आप कल्पना नहीं कर सकते, गंभीर से गंभीर जिम्मेदारी का काम आप जयंत भाई को दे दो और भूल जाओ, फिर पलट के देखने की जरूरत नहीं है। ये योग्यता बहुत कम लोगों को प्राप्त होती है। जयंत भाई, मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका आभारी हूं, आपने मध्य प्रदेश की जनता की बेहतर सेवा की और मध्य प्रदेश को समृद्ध और विकसित बनाने में आपने अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दिया है, इसलिए केवल अपनी ओर से नहीं मध्य प्रदेश की जनता की ओर से मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन अभी तो 75 के ही हुए, अभी लगता ही नहीं है कि 75 के हो गए, और इसलिए अभी तो काम करते रहना है, ये कोई ना समझ ले कि रिटायरमेंट का कार्यक्रम। रूप में भी खंड रुपया बचने वाले ऐसे ये कार्यकर्ता, ऐसे ये बच्चे, कभी बद्दी आवाज नहीं आई काम करते समय, मंत्रिमंडल में होते हुए, संगठन में काम करते हुए, बिल्कुल बंदा रुपया, खंड रुपया ऐसे मलैया जी है, सालों साल तक काम करते आए। पुरानी है जनसंघ से लेकर के उनके पिताजी, परिवार के सभी लोगों ने भूमिका निभाई है, लेकिन जयंत मलैया जी ने मध्य प्रदेश की राजनीति में उनके अथक श्रम और मेहनत के कारण से जो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को सींचने और खड़े करने में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका बनी, केवल बुंदेलखंड के क्षेत्र में नहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर, मैं तो बहुत कम समय में, और जिसको मैं कहता हूं कि मेरा अनुभव भी उतना नहीं है, और जब वो राजनीति में आए थे 1971 में, तब मेरा जन्म 1970 का है, तो मैं तो जयंत मलैया जी से मैंने तो बहुत कुछ सीखने का प्रयास किया है, और जयंत भैया जानते हैं कि मैं विद्यार्थी परिषद में जब काम करता था तब से मेरा संबंध संपर्क उनके साथ रहा है। एक सहज व्यक्तित्व के धनी, लेकिन गंभीरता और कर्मठता किसी राजनेता की, जो इतने बड़े स्तर पर काम करते हो, उन्होंने इस मध्य प्रदेश के अंदर माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से लेकर के आदरणीय उमा दीदी से लेकर बाबूलाल गौर सबके साथ जो उन्होंने काम किया, इस मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश की राजनीति में एक विकास इस नाते से भी प्रतिरूप स्थापित करने का काम आदरणीय जयंत मलैया जी ने मध्य प्रदेश के अंदर किया है। और मैं कभी कभी कहता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर दमोह के क्षेत्र में, इस बुंदेलखंड के क्षेत्र में विकास की राजनीति को स्थापित कैसे किया जाए, उसका अगर कोई नाम इस क्षेत्र के अंदर है तो इस क्षेत्र में जयंत मलैया जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम सब लोग आज उनको याद